बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू बिकम इमोशनली स्ट्रॉन्ग। हम कैसे इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। इंसान मुख्तलिफ तरह के इमोशन से मिलकर बना है। मोहब्बत है, नफरत है, गुस्सा है, गम है, खुशी है, इस तरह के बहुत से इमोशंस हैं जो इंसान को मिलकर इंसान बनाते हैं। अगर ये इमोशंस इंसान से निकाल दिए जाए तो इंसान और जानवर में कोई फर्क ना रहे। लेकिन एक इंसान का मोहब्बत करना, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना, इतनी ज़्यादा मोहब्बत करना कि व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना और उस मैसेज को बार बार चेक करना कि भाई लास्ट सीन हुआ है कि नहीं हुआ, सीन हुआ है कि नहीं हुआ, और सीन करके उस बंदे का आगे से रिप्लाई ना करना और आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाना, आप परेशान हो जाना, आपको नींद ना आना, आप अजीबोगरीब सोचों में चले जाना, आपका ये सब इस चीज़ की अलामत है कि आप इमोशनली वीक हैं। आपको इमोशनली स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। आपका किसी से गुस्सा करना, किसी पे इतना गुस्सा करना कि बेपनाह गुस्सा करना और उस गुस्से की वजह से उस ताल्लुक का टूट जाना। आपका किसी से नफरत करना, इतनी नफरत करना कि उस बंदे का आपकी ज़िंदगी से चले जाना। फिर कभी वो, जब कभी आपको वो बंदा नज़र आए या आपके जहन में उसके बारे में ख्याल आए, आपकी हालत गैर हो जाए। आप अपने आप को एक अलग ही दुनिया में महसूस करना, खुद से खुद को अलग कर लेना, खुद में एक अलग ही कमी महसूस करना, ये सब चीज़ें मिलके जिस चीज़ को बनाती हैं वो चीज़ कहलाती है इमोशनली वीकनेस। हम सब इंसान जो हैं वो इमोशंस से जैसे मिलके बने हैं। ना तो हमें वीक होना चाहिए, ना तो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इन अ सेंस कि ऐसे नहीं कि आप बेहिस हो जाए, आप किसी के गमी में गम महसूस ना करें, आप किसी की खुशी में खुशी महसूस ना करें, किसी पर आपको गुस्सा आए तो आप गुस्सा ना करें। आप इन सब चीज़ों से बरी हो जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, और इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चले जाएंगे तो भी गलत हो जाएगा। बाय द वे, यहाँ मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। हम लोगों ने टेलीग्राम पे एक चैनल क्रिएट किया है जिस चैनल का मकसद ये है कि अक्सर लोग कंप्लेन करते थे कि हम में मोटिवेशन की कमी होती है। तो मैं टाइम टू टाइम इंशाल्लाह कोशिश किया करूँगा कि दिन में काफ़ी बार वहाँ जो है वो अपडेट किया करूँ, उसको अपलोड किया करूँ, मुख्तलिफ चीज़ें जो आपको मोटिवेट करें। तो जो लोग मेरे उस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका मैं लिंक दे दूंगा उस टेलीग्राम का। इसके अलावा टेलीग्राम पे आप मुझे सिंपली फाइंड भी कर सकते हैं, कामरान शरीफ लिखें, आपको मेरा चैनल वहाँ नज़र आ जाएगा। अभी स्टार्ट किया है लेकिन कोशिश यही होगी कि वहाँ मैक्सिमम लोगों को जो है ना वो टाइम टू टाइम मोटिवेट कर सकूँ, टाइम टू टाइम मैं जो है वो ऐसे मैसेजेस कर सकूँ, ऐसे वॉइस मेल छोड़ सकूँ जो आपको मोटिवेट करें। तो अगर आप लोग भी मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप भी अपना टेलीग्राम का, जिन लोगों का अकाउंट नहीं है वो अकाउंट भी क्रिएट करके फ़ौरन मुझे वहाँ ज्वाइन करें। अच्छा, इसके बाद ना अगर आप देखें तो हम जितने भी इंसान हैं, अगर हम इंसानों से मोहब्बत करने लग जाएं, बहुत ज़्यादा मोहब्बत कर जाएं, तो आप देखिए कि आप कमज़ोर हो जाएंगे। आप जिससे जितनी मोहब्बत करेंगे आप उतने कमज़ोर हो जाएंगे। वाहिद मोहब्बत सिर्फ अल्लाह की है जो इंसान को स्ट्रेंथ बख्शती है। वरना आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करके देख लें, मोहब्बत करके देख लें, वो मोहब्बत आपको कमज़ोर कर देगी। बिल्ली में कमज़ोर कर देगी आपको। आप डरते रहेंगे कहीं मेरी मोहब्बत को कुछ हो ना जाए, कहीं मेरी मोहब्बत मुझसे खो ना जाए, कहीं कोई इंसान मुझसे मेरी मोहब्बत को छीन ना, कहीं ये मर ना जाए, कहीं मैं मर ना जाऊं। लिटरली ये सब चीज़ें जो है ना इंसान को खाती रहती हैं। मोहब्बत करें बहुत ज़्यादा ना करें, नफरत करें बहुत ज़्यादा ना करें, गुस्सा करें बहुत ज़्यादा ना गुस्सा करें, इन सब के बीच में रहना है। बीच में कैसे रहना है उसके लिए पहले मैं आपको कुछ NLP की टेक्निक्स बता देता हूँ और फिर मैं आपके पास 7 जनों में कुछ फिजिकल वर्क्स भी शेयर करूँगा जो आपको ज़रूरी है और कुछ चीज़ें आपने करनी ही करनी है। पहली जो NLP टेक्निक है वो है कि आपने जिस भी इंसान के बारे में, जिस भी जगह पे आप समझते हैं कि मैं यहाँ से इमोशनली वीक हूँ, उसके बारे में अवेयरनेस कर लें अपने अंदर कि भाई मैं यहाँ वीक हूँ, ये चीज़ें मेरी, ये वीकनेस का एरिया मेरा, मैं इस बंदे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हूँ, मैं इसको खोने से डरता हूँ। अब जब खोने से डरते हैं आपका उस चीज़ को अवेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि खुदा ना खासा उस बंदे को क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वो सारा आपका लिख के माइंड में इमेजेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। अवेयर करके उन इमेजेस का क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। कैसे करें, NLP की टेक्निक्स में पहले भी बता चुका हूँ। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँ कि आप नेगेटिव इमेजेस को पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। पहली चीज़ अवेयरनेस का चीज़ होना, दूसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस का होना। अब आपने अवेयर हो गए हो कि यार ये हो सकता है। पहली चीज़ तो ये कि लोग अवेयरनेस के बाद अपने आप को एक्सेप्ट ही नहीं करते कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, मैं तो मान ही नहीं सकता कि ये कभी हो जाए, मैं तो सोच भी नहीं सकता। तो भाई सोचना है, ऐसा नहीं कि खुदा ना खास्ता उसको कुछ हुआ और साथ तुम्हें भी कुछ हो जाए।
तो ऐसा ना करना, ये हमाकत ना करना, ये बेवकूफ़ी ना करना। और हम सब इंसान हैं, जितने मर्जी कोच बन जाएं, जितने मर्जी मोटिवेशनल स्पीकर बन जाएं, जितने मर्जी मेंटोर बन जाएं, दर्द हमें भी होता है, हर इंसान को होता है। फ़र्क सिर्फ ये है कि किसी को कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है। किसी को कम होता है, जिसको कम होता है उसने खुद पर काम किया होता है, ऐसा नहीं कि उसने खुद पर काम नहीं किया हुआ। लिटरली अभी मेरी ज़िंदगी में एक इंसिडेंट्स गुजरा है, अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे हैं ना कि आप कमज़ोर क्यों हो गए, आपका वज़न कम क्यों हो गया। मेरे अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट्स गुजरा है, इंसिडेंट्स बड़ा प्राइवेट सा था, पर्सनल सा है, तो उस एक इंसिडेंट्स ने विद इन अ 3 मंथ्स मेरा 20 kg वेट लूज करवा दिया। 20 kg, मैं 92 से रैपिडली 3 मंथ्स में 72-73 के करीब आ गया। मैं बहुत वीक हो गया, पिछली वीडियोस आप देखिएगा जो अभी से 2 महीने 1.5 महीने पहले की। इन सब चीज़ों में क्या हुआ कि मैंने अपने आप को एक चीज़ से अवेयर ही नहीं किया हुआ था। वो चीज़ जब मेरे सामने आई, मैं खुद बौखला गया, मैं खुद इतना परेशान हो गया कि यार ये क्या हो गया। मैंने खुद को कंट्रोल करने में 15 डेज लगा दिए, 15 डेज, बिलीव मी 15 डेज। अगर ये मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी स्ट्रेंथ को ना पहचाना होता और ये पहले होता तो माइट भी मैं शायद ज़िंदा ही ना होता। इतनी बड़ी एक चीज़ जो मेरे ऊपर आके गिर गई। लेकिन अब मैंने अपने आप को इस तरह बना लिया, इस तरह बदल लिया, खुद की माइंड की प्रोग्रामिंग इस तरह कर दी कि यार मैंने उस चीज़ को अवेयर हो गया। फिर जब अवेयर हो गया, मैंने उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि यार अब ठीक है, ये चीज़ हो गई है, नो व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। तो NLP में आपके माइंड के जो जितने भी इमेजेस हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करना है, उन पर मैं वीडियोस बना चुका हूँ। और जो नेगेटिव इमेजेस हैं उनको मिनिमाइज करना कैसे करना है, और जो पॉजिटिव इमेजेस हैं उनको मैक्सिमाइज कैसे करना है, ये आप वीडियोस देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ आइडिया होगा। अब बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं इंसान को। देखिए, मैंने जहाँ तक नोटिस किया है, जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है कि जैसे ही आप वीक होते हो ना, आप इमोशनली मेंटली वीक होना शुरू हो जाते हैं, आप ज़रा ज़रा बात पर परेशान होना शुरू हो जाते हैं, आप ज़रा ज़रा बात पर हाइपर होना शुरू हो जाते हैं, गुस्सा, बिला वजह की लड़ाई झगड़े। आप इन सब चीज़ों को जब देखोगे ना तो आप एक गलती कर रहे होगे, या तो आप डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे होगे, या तो आप नींद प्रॉपर नहीं ले रहे होगे, या एक्सरसाइज नहीं कर रहे होगे, या सेल्फ मैनेजमेंट नहीं कर रहे होगे। इन चारों चीज़ों में से कहीं ना कहीं आप गलती ज़रूर कर रहे होगे। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आज के लोगों में देखी है, यार यकीन की कमी है। अल्लाह पर यकीन नहीं है, अपने आप पर यकीन नहीं है, और दूसरे बंदों पे यकीन नहीं है। यकीन इन सेंस के यार किसी बंदा कोई अच्छा कह रहा है, बुरा कह रहा है, आप यकीन तो करो, एटलीस्ट देखो तो सही, कह सुनो तो सही उसकी, बाद में आप सोचो कि यार ये गलत था ये सही था, पहले सुन तो लो उसकी। हम लोग सुनते भी नहीं है, ना अपनी सुनते हैं ना किसी और की सुनती है सुनते हैं। तो बेस्ट थिंग इज दिस कि सबसे पहली चीज़ अपनी डाइट प्रॉपर करो, 3 meals a day लाजमन लो, नींद, रात को टाइम पर सो, टाइम पर उठो। और जब आप सो रहे हो ना, कोशिश करो बेड पर जाओ तो आप फ़ौरन बावजू होकर जाओ। इसके अलावा बेटर स्लीप के लिए मैंने कुछ चीज़ें बताई हुई हैं, वो चीज़ें आप फॉलो करो। मैं कोशिश करूँगा एंड स्क्रीन पे वो भी वीडियो लगा दूँ, वो भी आप फॉलो करो। और जब आप बेड पे जाओ, कोशिश करो कि हर किसी को माफ़ करके सो, अपने आप को माफ़ करके सो, दूसरों को माफ़ करो। और बेड पे जाने से पहले, थोड़ी पहले ना, डायरी लिखने की आदत बनाओ। डायरी बड़ी ज़रूरी है यार। अक्सर लोग मुझसे कंप्लेन करते हैं कि हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। वेल, जिन लोगों की प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है ना, या जिन लोगों के घर में इस तरह का नहीं है कि उनको कोई, या उनको कोई प्राइवेटली कोना मिल सके, तो उस केस में मैं बेटर मैं यही सजेशन दूंगा कि आप एक पेपर लें, उस पेपर पर लिखें, सारी चीज़ें लिख लें, उनको पढ़ें, एक दो बार पढ़ें, आँखें बंद करें, उसको अज्यूम करें, और विद स्माइलिंग फेस, मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उस पूरी चीज़ को देखें, और अपने आप को और अपने इमोशंस को उस चीज़ से अलग कर दें, फिर उसको जो है वो बर्न आउट कर दें। ये प्रैक्टिस करके देखिए, आप बड़ी बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, इसके बाद आता है आपका एक्सरसाइज का होना। हमारे इधर रूटीन ख़त्म हो गई एक्सरसाइज की, हम लोग आसाइशों की तरफ आ गए हैं कि बस बैठे रहे बैठे रहे बैठे रहे। अक्सर लेडीज़ को मैं देखता हूँ, कुछ भी नहीं करती जी, घर में काम करते हैं, बस झाड़ू दे दिया, टाकी दे दी, पोछा, ये सब नहीं है काम, ये तो आपकी रूटीन वर्क है। एक्सरसाइज इससे थोड़ी हटके है, थोड़ी हटके है, यानी कि आप पूरे दिन में कितनी दफ़ा मेरे ख्याल से आप एक्सरसाइज करती होंगी। मोस्टली लड़कियाँ नहीं करती, मोस्टली औरतें नहीं करती। पहले ज़माने की औरतें बहुत एक्सरसाइज करती थी, वो जल्दी उठती थी, जल्दी सोती थी, पूरा दिन उनकी एक्सरसाइज ही होती थी। आज के दौर में क्या हो रहा है, रोटी बना दी, टाकी लगा दी, पोछा लगा दिया, दैट्स इट, छोटी मोटी सफाई कर दी। ये नहीं है, मर्दों में भी ये चीज़ें बड़ी कॉमन है कि मर्दों ने सिर्फ ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर, बस ये है, ये लाइफ है, ये लाइफ नहीं है यार। एक्सरसाइज इससे अलग है, जिसमें मॉर्निंग वॉक है आपकी, इवनिंग वॉक है आपकी, जिम है आपकी, मुख्तलिफ चीज़ें आपकी, ये आपको करनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हैं जो आपको फिजिकली स्ट्रेंथ देंगी। और आप देखिएगा, जितने आप फिजिकली स्ट्रांग होंगे उतने ही आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो जाएंगे, उतने आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी सेल्फ ग्रिप ज़्यादा हो जाएगी। तो सेल्फ ग्रिप को ज़्यादा करने के लिए आपका ज़रूरी है इन चीज़ों के बारे में
सोचना और इन चीज़ों का करना। अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें आपके हाथ से वक्त के साथ साथ निकलती जाएंगी, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल वक्त के साथ साथ कम होता है। इसके बाद कोशिश करें कि आप जो भी चीज़ें आपके अंदर होती हैं ना, उनको आप शेयर किया करें। शेयर, नॉर्मली मैं शेयरिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जब आप शेयरिंग करेंगे तो आप कमज़ोर होते जाएंगे, आप डिफरेंट लोगों को अपनी वीकनेसेस बताते जाएंगे। लेकिन शेयरिंग इन अ सेंस, ऐसा भी नहीं कि अब हर इंसान बुरा ही होता है, ऐसा नहीं है, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। तो कुछ लोग जो अच्छे हैं, जो अच्छे लोग हैं आपकी फैमिली में जो अच्छे हैं, आप उनसे बात किया करें, उनसे शेयरिंग किया करें कि यार ये चीज़ें मुझे महसूस होती हैं, ये चीज़ें हैं जहाँ मैं समझता हूँ मैं खुद को वीक महसूस करता हूँ। तो फिर आप उस बंदे से जब बात करेंगे वो आपको बताएगा। लेकिन ऐसे बंदे से कभी शेयर ना करें प्रॉब्लम्स जो आपकी वीकनेस को अवेयर नहीं करता, आपको अवेयर नहीं करता। मसलन फ़र्ज करें कुछ चीज़ आपने कही कि यार मैं इस जगह पे वीक हूँ, और वो आपको कहता शाबाश कोई बात नहीं, सारे इसी जगह पे वीक होते हैं, तुम इस जगह पे वीक हो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी तो कोई गलती नहीं है, तुम्हारा तो ये नहीं है, तुम्हारा तो। आप जब इस तरह के एक बंदे से आप मिलेंगे ना, जब जो आपको चोरी करके भी कह रहा है कि भाई तुमने तो चोरी की नहीं है, तो वो बंदा आपकी सलाह नहीं चाहता, वो बंदा आपकी बर्बादी चाहता है। ऐसे बंदे का इंतखाब करें जो आपकी गलती को बताए और कहे कि यार नेक्स्ट टाइम कोशिश करो कि इस गलती को ना करो। तो आप जब तक ऐसा बंदा फाइंड आउट नहीं होता, आप अपने आप से करो। राइटिंग डायरी जो है ना, वो भी इसी जुमरे में आती है कि जिसमें आप इंसान एक्सप्रेस कर देता है, खुद को एक्सप्रेस कर देता है। और ज़िंदगी में ना, जब भी कभी आप किसी प्रॉब्लम में आओ, किसी जगह पे आप खुद को कमज़ोर समझो, किसी ऐसी परेशानी में आओ जहाँ आप समझते हो कि आप अपने आप को लूज़ कर रहे हो, तो उधर आपने एक चीज़ करनी है। आपने ये सोचना है कि इधर अगर कामरान सर होते, कामी भाई होते, तो वो क्या करते, उस चीज़ में मुझे ले आओ। फ़र्ज़ करो आप किसी बंदे से लड़ रहे हो, तो आप सोचो ये लड़ाई कामरान की भाई की और उस बंदे की हो रही है, आप पीछे खड़े देख रहे हो, अब कामी भाई वहाँ क्या करेंगे, अब कामरान साहब वहाँ क्या करेंगे, जो कामरान साहब करेंगे वही आप करो। बेस्ट एक्सरसाइज है ये, यकीन करो आप लड़ोगे ही नहीं। मैं नॉर्मली मोस्टली ज़्यादा लड़ता नहीं, हालांकि मैं गुस्से वाला बहुत इंसान हूँ, बहुत गुस्से वाला इंसान हूँ। मैं एक बार माफ़ करता हूँ किसी को, दो बार, बड़ी ज़्यादा तीन बार, लेकिन चौथी बार जब मैं फिर पकड़ता हूँ ना, फिर ऐसा पकड़ता हूँ कि फिर वो बंदा भी सोचता है कि यार उसने किससे पंगा ले लिया। पहले तो ये गुस्सा नहीं करता, मैं गुस्सा करता हूँ लेकिन एक हद तक करता हूँ, और मैं माफ़ करने पे ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। आप भी माफ़ करने को ज़्यादा प्रेफर करो, किसी बंदे से गलती हो सकती है, यार इंसान है। सबसे पहली चीज़ इंसान को इंसान ही समझो, ये ना समझो कि वो कुछ कर ही नहीं सकता, सब कर सकते हैं, हम लोग बंदे ही हैं। एक और बहुत अहम चीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, अपने अच्छे और बुरे की खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। हमारे इधर क्या है कि हम लोग जब कुछ गलत करते हैं तो दूसरों को ब्लेम कर देते हैं, और जब कुछ अच्छा करते हैं तो खुद को रिवार्ड के लिए क्लेम कर देते हैं कि जी ये तो हमारा रिवार्ड है, हमने तो बहुत अच्छा किया, और बुरा करें तो जी हमारी तो गलती नहीं थी। जब तक आप अपनी गलती को आइडेंटिफाई नहीं करोगे ना, बात वही आ जाएगी अवेयरनेस की, कि जब तक आप अपने आप को अवेयर नहीं करोगे ना, आप कभी भी चेंजेस नहीं कर सकते। आप जब तक किसी बुरी चीज़ को अपने अंदर तलाशोगे नहीं, उसको निकालोगे कैसे? आंखें बंद करके कहते रहोगे सब अच्छा, तो फिर सब अच्छा। एक बहुत अहम चीज़ है कि आप ना नोटिस करिएगा, जब आप परेशान होते हैं, जब किसी जगह पे आप जाके मोशनलेस हो जाते हैं, कि आपके मोशन सारे गायब हो जाते हैं, अब ब्रेन फॉग का सामना हो जाता है, आपको समझ नहीं आती कि आप क्या करो क्या नहीं करो, ऐसे केस में कोशिश करो कि एक पॉकेट डायरी का कैरी कर लो, या कोई ऐसी कंप्यूटर पे डेस्कटॉप पे कुछ बना के सेव कर लो, जिसमें आप ये सारी टेक्निक्स लिख लो कि आपने करना क्या क्या उस सिनेरियो में। एक तो आप कोशिश करो कि लॉन्ग ब्रीथिंग करो उस सिनेरियो में, वॉक करो उस सिनेरियो में, और जितना ज़्यादा हो सके उस कंडीशन में खुद को लाने का जोर लगाओ। अभी फ़र्ज़ करो आपने अगर पहली दफ़ा में जितना ज़ोर लगाया, अगली दफ़ा में मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि उसका 70% लगेगा, और अगली दफ़ा मोस्ट प्रॉब्ली चांस है कि उसका 50%, फिर 30%, फिर 20%। इस तरह माइंड आपका एक्सपीरियंस बेस एक मॉडल क्रिएट कर देगा दिमाग में, कि वो हर दफ़ा कम से कम जोर लगाता जाएगा। तो वो पहली दफ़ा में आपको जोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा। वो पहली दफ़ा में जो जोर ज़्यादा लगाना पड़ता है वो इंसान को डरा देता है। तो आपने डरना नहीं है, कोशिश करना है कि आप इसको अप्लाई करें और बार बार अप्लाई करें। और यार एंड में एक चीज़ है, मैंने देखा है कि हम लोग जो है ना अल्लाह से बहुत दूर चले गए, बहुत दूर चले गए। हम समझते हैं कि हम दुनिया में डेवलपमेंट कर रहे हैं, बिलीव मी हम डेवलपमेंट नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट गुमराही का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। आप अपने अल्लाह को हर मामले में ले आएँ, आपके अंदर से डर भी निकल जाएगा, आपके अंदर से गुस्सा भी कम हो जाएगा, आपके अंदर इंसानों की मोहब्बत तो होगी लेकिन बेपनाह मोहब्बत नहीं होगी, और आप लोगों को माफ़ करना सीख जाएंगे, आप लोगों की बुरी चीज़ पर गुस्सा कम करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जुड़ती ही दीन के साथ है, अल्लाह के साथ। क्योंकि आप एक बड़ी ताकत के साथ जुड़ गए ना, अब आपको छोटी छोटी ताकतें तोड़ नहीं सकते। तो जब आप बड़ी ताकत के साथ जुड़ जाओगे तो ये छोटी मोटी ताकतें सारी
ऑटोमेटिकली आपकी तरफ खींची चली आएंगी। तो वीडियो का अहतमाम यहीं करते हैं, अगर आप इन बातों पर अमल करते हैं तो इंशाल्लाह आप भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग हो सकते हैं। और बाकी बात यही है यार, ये प्रैक्टिस की गेम है, अगर आप कहोगे एक दिन में हो जाए, एक हफ्ते में हो जाए, एक मंथ में हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, टाइम लगेगा। और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।